भारत में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और हाल ही में टाटा ने अपनी टिगोर ईवी और ह्यूंडई ने अपनी कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में लॉन्च किया था। और अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इन दोनों कार के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसकी मदद से आपको इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए वो तय करने में आपको मदद करेगा। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले टाटा टिगोर ईवी की बात करें तो ये कार XM और XT2 वेरिएंट में अवेलेबल है और इस कार में 16.2 kWh की बैटरी लगी हुई है, जो कि फुल चार्जिंग करने पर 142 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। साथ ही इस कार की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के साथ ये महज 12 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। फीचर्स की अगर बात करें तो इन दोनों कार में क्लाइमेट कंट्रोल, हार्मन ऑडियो सिस्टम विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, पावर विंडोज और एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कॉमन फीचर्स मिलेंगे। और XT वेरिएंट में इलेक्ट्रिक ORVM और 14 इंच के अलॉय व्हील जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो टाटा टिगोर ईवी में ABS, रियर पार्किंग सेंसर और डुअल फ्रंट एयरबैग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फाइनली कीमत की बात करें तो इस कार के XT वेरिएंट की कीमत 10,90,000 रुपए है और XM वेरिएंट की कीमत 9,99,000 रुपए रखी गई है। अब बात करें ह्यूंडई कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में तो फास्ट चार्जर्स की मदद से इस कार को फुल चार्ज करने में सिर्फ 57 मिनट लगते हैं और स्टैंडर्ड AC प्लग से फुल चार्ज करने में 6 घंटे 10 मिनट लगते हैं। और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ह्यूंडई कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी 425 किलोमीटर तक आराम से चल सकती है। फीचर्स की अगर बात करें तो इस कार में इको, कंफर्ट और स्पोर्ट जैसे 3 ड्राइव मोड हैं और साथ ही ये कार 1 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस है। इसी के साथ इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इस कार में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। इसी के साथ इस कार में हिल असिस्ट, वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कोना मेंस ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स मिलते ही हैं। फाइनली कीमत की बात करें तो ह्यूंडई कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती कीमत 25,30,000 रुपए है। अब हमारा तो काम था इन दोनों गाड़ियों के बारे में हर बारीकी आपको बताने की, जिसके कारण हमें लगता है कि आपकी परेशानी भी कम रहेगी कि आपको कौन सी इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए। तो अब अपनी पसंद की कौन सी इलेक्ट्रिक कार आप अपने घर लाना पसंद करेंगे हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।